Well, India is certainly looking forward to its athletes performing at the Tokyo Paralympics, which starts on August 24. India is standing firm behind its athletes. We strongly believe in them, but it's also important for us to keep getting you their stories. We have one such story for you today. Joining me on the broadcast is a very special guest, Sandeep Chaudhary, who is an Indian javelin thrower, also a world champion. He will be participating in the F44 event at the upcoming Tokyo Paralympics. Sandeep, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. आप टाइम निकाला आपने हमारे लिए. पहले तो बताइए हमें कैसा लग रहा है. बहुत पास है पैरालंपिक्स और आप हिस्सा ले रहे हैं पहली बार उसमें. क्या फीलिंग है? हेलो मैम, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो, और काफ़ी एक्साइटमेंट भी है क्योंकि लास्ट 2 इयर्स अगर हम माने तो काफ़ी सिचुएशन फ्लक्चुएट हो रही है. कभी अप डाउन, कुछ कुछ कंफर्मेशन नहीं थी गेम्स की भी, कभी पोस्टपोन्ड की न्यूज़ थी, कभी कैंसिलेशंस की न्यूज़ थी. तो फाइनली ये हो रहा है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और मैंने क्वालिफाई किया, इससे मुझे बहुत खुशी है. आप 2018 में भी हमारे लिए गोल्ड लेके आए थे, तो वहां से अब तक की जर्नी बताइए कैसी रही है. और पिछले 1 साल की बात की जाए तो डिले ऑफ कोर्स हुआ है. लास्ट ईयर हो रहा था पैरालंपिक्स भी, बट ये आपको इसके फायदा हुआ इससे या नुकसान रहा है? चैलेंजेस बहुत रहे इस टाइम में. जी, हम किसी भी चीज़ को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अपने ऊपर ले सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैंने अधिकतर हर चीज़ को पॉजिटिवली लिया है, तो इस पेंडेमिक को और इस टाइम को भी मैंने पॉजिटिवली ही अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया है. हमारी प्रिपरेशन 2020 के हिसाब से बहुत बेस्ट थी, बट अब अगर 1 साल गेम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं तो हमने ये कंसिडर ना करके कि वो पोस्टपोन्ड है, ये कंसिडर किया है कि 1 साल हम और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होके अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो 2021 में. हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपकी जर्नी, आपने जावलिन को कैसे चुना, उसने आपको कैसे चुना और अब तक का सफर कैसा रहा है आपके लिए? जैवलिन मैंने 2015-14 के एंड में स्टार्ट किया था. उसके बाद में मेरा प्रदर्शन तो ठीक था, बट कोई अच्छे खास अचीवमेंट नहीं रही. रियो 2016 में मैं मेडल आउट हो गया था सेंटीमीटरों से. मैंने 4th फिनिश किया था, तो वो जीवन का सबसे बड़ा इवेंट था और सबसे बड़ी हार थी. उसके बाद में 2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप लंदन में भी मैं मेडल आउट हो गया था. तो जीवन में स्टार्टिंग काफ़ी मतलब वैसी रही कि जो एक बड़ी चीज़ के लिए हमेशा मोटिवेट करती रही कि नहीं, इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी करना है, फिर अभी तो फर्स्ट स्टेज है. तो वो चीज़ ही ऐसी थी जिसने आज तक यहाँ तक मुझे लेके आया है, और तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ. जो टारगेट मेरा रियो में नहीं हो पाया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टोक्यो में उसको अच्छे से करूँ. तो क्या ये आपके लिए डिफाइनिंग मोमेंट था? इसके बाद आपको लगा कि आपका अप्रोच एकदम बदल गया था? हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया और लाइक इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं कि क्या मतलब कि किस हिसाब से ग्रोथ या फिर ये सब, बट ये था कि करते जाना है और ज़्यादा नहीं सोचना. मतलब कि ये नहीं सोचना कि क्या जीतना है क्या नहीं करना, बट ये है कि हर उसमें अपना पर्सनल बेस्ट देते चलना है. टारगेट ये रहा हर छोटे छोटे टारगेट में कि चाहे नेशनल्स हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल मेजर कंपटीशन ना हो या इंटरनेशनल मेजर कंपटीशन हो, मतलब हर कंपटीशन में हम टारगेट ये रखते थे कि अपना बेस्ट कर पाएँ. तो वही टारगेट अभी भी चलता रहेगा कि अपना बेस्ट करना है टोक्यो में भी. जी, अगर मैं बात करूं संदीप चौधरी का एक नॉर्मल दिन जब वो ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उठते ही बस अपना ये रूटीन दिमाग में आता है. ज़्यादा कुछ दिमाग में इतना रहता नहीं कि ग्राउंड जाना है. रात को सोने से पहले ये दिमाग में रहता है कि सोना है क्योंकि सुबह ग्राउंड जाना है. संदीप, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कोविड का टाइम खैर पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल रहा है, बट एथलीट्स के लिए भी खासकर काफी मुश्किल रहा है. कैंप्स, ट्रेनिंग, एक्सपोजर, सब कुछ अफेक्ट हुआ है. किस लेवल तक हुआ है वो सबके लिए अलग रहा है, बट अफेक्ट हुआ है. तो आपने कैसे अपनी ट्रेनिंग जारी रखी इस दौरान? जी देखो, ये कोविड तो ऐसी सिचुएशन है जिसने पूरी दुनिया को हिलाया है, और काफ़ी लोगों ने अपने काफ़ी क्या बहुत से लोगों ने अपने निजी लोग खोए हैं,
किसी ने पेरेंट्स, किसी ने भाई बंधु, किसी ने, तो उन सब के लिए पहले मेरी ओर से विनम्र प्रेम। बट मैंने अपने जीवन में, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके ही चलना सीखा है। मुझे खुद भी कोविड हो गया था, बट मैंने ज़्यादा इतना सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। और लाइक जैसा जैसा डॉक्टर्स ने कहा वैसा वैसा फॉलो किया, और उसके बाद कम बैक करके और अच्छे से ट्रेनिंग, आइसोलेशन में रह के, एक जगह रह के, और इसमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि हमारा कैंप अच्छी जगह लगाया जहाँ हमें एक ही जगह में सारी फैसिलिटीज़ मिल पाई। तो मतलब अगर सारी चीज़ें एक साथ अगर मिलके काम करें तो रिजल्ट अच्छा हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप कोविड से लड़ के वापस आए, और इस तरह वापस आए कि सीधा पैरालंपिक्स खेलने जा रहे हैं, तो इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ संदीप। बट यू नो एज फॉर जैवलिन इज कंसर्न्ड, आप बताइए हमें कि आपकी क्या राय है। काफी प्लेयर्स अब हमें दिख रहे हैं पैरालंपिक्स में भी, हम देख रहे हैं कि हमारा देश ज्यादा अपना रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा है। क्या एक मैसेज रहेगा और कैसे आप देखते हैं कि इस गेम का स्टेटस बढ़ता जाए बस इस देश में? जैवलिन की बात करें हमारे देश में, तो जैवलिन का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि जैवलिन होता क्या है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब इसकी अवेयरनेस आने लगी है। हम बात करें अगर ओलंपिक्स की और बात करें पैरालंपिक्स की, ओलंपिक में भी हमारे इस बार 3 एथलीट जा रहे हैं, नीरज चोपड़ा, अन्नू रानी एंड शिवपाल, और लास्ट ओलंपिक में हमारा एक भी पार्टिसिपेंट भी नहीं था, और मेडल होप भी हैं वो। और बात करें पैरालंपिक्स की, तो इसमें भी हमारे 5 से 6 एथलीट सिर्फ जेवलिन थ्रो में ही जा रहे हैं, और उन लाइक उनमें से भी 60% लोग मेडल होप में हैं। तो हमारी कंट्री एक जेवलिन नेशन में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इसमें ओलंपिक में भी हमारे मतलब कंट्रीज़ जर्मनी के बाद 2nd-3rd नंबर पे आती है, और पैरालंपिक्स में देखें तो भी हमारी कंट्री टॉप मोस्ट में ही आती है जैवलिन में। तो इंडिया में काफ़ी अच्छा क्रेज़ अभी अभी होने लगा है जैवलिन को लेके। मैंने कई बार नोटिस किया है कि ग्राउंड में, अगर एथलेटिक्स ग्राउंड में कोई भी बच्चा आता है, तो उसका फर्स्ट इंटरेस्ट ये रहता है कि मुझे जैवलिन करके देखना है। तो वही इंटरेस्ट है कि आज और भी टैलेंटेड एथलीट्स निकल रहे हैं, यही एक रीज़न है। और ऐसे ही एक स्पोर्ट ग्रोथ होता है कहीं भी किसी देश में। और जब वो देखते हैं कि आप जैसे कितने सारे लोग पैरालंपिक्स में भी जाके खेल रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो दैट्स सर्टेनली वेरी मोटिवेशनल। बिफोर आई लेट यू गो संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे, अपना एक मंत्र बताइए, आपका क्या मंत्र रहा है जैवलिन को लेकर, अपने इवेंट को लेकर, और क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर यू हेड टुवर्ड्स दैट बिग गेम? मंत्र यही है कि हर इवेंट में अपना पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश करनी है, और हम भी कुछ देश के लिए थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, हम इस चीज़ के सौभाग्य हैं। और देश की जनता से यही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जनता सिर्फ ओलंपिक से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जगती है थोड़ा कि वो हो, अब ओलंपिक्स आ गए हैं, पैरालंपिक्स आ गए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारे दिन टीवी पे लोगों के दिमाग में, माइंड में कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स घुसे हुए हैं। तो आशा सभी से यही है, रिक्वेस्ट भी है, कि ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल होता है, दूसरे नंबर पे फीफा होता है और तीसरे नंबर पे पैरालंपिक्स होता है। तो मैं पूरी जनता से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे देश की जहाँ ताकत दिखाने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों को सपोर्ट या फिर उन लोगों को देखना ज़्यादा वो होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे देश की भी डेवलपमेंट है और हमारी भी डेवलपमेंट है। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, और बिल्कुल यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरी देश की जनता से। जी थैंक यू संदीप, और हम इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि आपका मैसेज सब तक पहुंचे, एंड ऑल ऑफ अस आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल गिव इट योर बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।